आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, चाहे वो प्री का हो या मेन का एग्जाम हो, उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जब भी आप अपना मेन का एग्जाम लिखते हो तो वहां पर कुछ आपको आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो करंट आंकड़े आपको इकोनॉमिक सर्वे ही देता है। यहाँ पर हम यूनियन सर्वे, जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पढ़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हार्डली एक मंथ पढ़ा है, एक आप 30 दिन बचे हैं, 30 दिन के बाद जो है आपका पेपर हो जाएगा। और ये प्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री के अंदर अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व किया तो उस इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो जीडीपी है उसके बारे में देखते हैं कि जीडीपी, पहले देखते हैं कि जीडीपी होता क्या है। देखो, जीडीपी होता ये है कि मान लो आपके पास कोई एक जमीन का टुकड़ा है, और उस जमीन के टुकड़े में आप कितना सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। सर्विस का मतलब भाई आप बैंकिंग सर्विस दे रहे होंगे, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है ये, ठीक है, ये इसका एरिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ आप मोबाइल बना रहे होंगे, कुछ आप टैबलेट बना रहे होंगे, कुछ लैपटॉप बना रहे होंगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गए। फिर आप सिंपल सी बात है, इनको फाइनेंस भी कर रहे होंगे कि भाई ठीक है, इनको 2 लाख रुपए बैंकिंग, तो बैंकिंग सर्विस मतलब गुड्स और सर्विस के अंदर, गुड्स और सर्विस के अंदर एक साल के अंदर इस फिजिकल, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आपने कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया, उसी का उसका जीडीपी होता है, जीडीपी होता है। अब ये जीडीपी दो टाइप से निकाला जाता है, एक तो करंट प्राइस पर, ठीक है, जीडीपी एट द करंट प्राइस, इसके अंदर जो करंट प्राइस होता है इसके अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप जीडीपी, इसको नॉमिनल प्राइस भी बोलते हैं, नॉमिनल प्राइस, ठीक है, अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो और जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन भी आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉमिनल, कि आप जीडीपी निकालिए अपना नॉमिनल प्राइस पर या फिर करंट प्राइस पर। अगर आप किसी साल को, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार 2011-12 को बेस ईयर, मतलब बेस ईयर मान के चलती है, इसका मतलब 2011-12 में जितना भी जीडीपी था, मान लो कि 2011-12 में 100 रुपए जीडीपी था, ऐसी मैं ले रहा हूँ, 100 करोड़ या ऐसी, अब कितना जीडीपी हो गया, अब कितना हो गया, मान लो कि 120 रुपए हो गया, तो रियल जीडीपी निकालते हैं इसको, रिजल्ट, क्योंकि 2022-23 में आपने जो, सॉरी 2011-12 में जो प्राइस फिक्स किया है उसमें जो है इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो डिफरेंस इनका यहाँ लिखो, और 2011-12 में कितना था जीडीपी उसको यहाँ लिखो, और 100-100 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20%। तो ये जो, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो हमारा जीडीपी है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो इस, ये जो हम बेस ईयर हमने 2011-12 लिया, इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमको रियल जीडीपी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये रियल जीडीपी होता है, इसको हम कॉन्स्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। जो 2011-12 का आपने जीडीपी निकाला था और जो अब का जीडीपी है, तो 2011-12 का बेस ईयर लिया है और इसी को हम बोलते हैं कि ये जो जीडीपी एट द कॉन्स्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। तो अब ये हम देखेंगे कि जो हमारा जीडीपी एट द करंट प्राइस कितना है हिमाचल प्रदेश का। देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश का जो करंट जीडीपी देखें करंट प्राइस पर, तो वो 2,07,430 करोड़ है, इतने करोड़ रुपी है। ये कौन से प्राइस पर बात करी जा रही है, ये करंट प्राइस पर बात की जा रही है। और ये 2023-24 का अगर हम कंपैरिजन करें 2022-23 में, तो ये कितना था, देखिए 1,91,728 करोड़ था ये। तो ये इतना आंकड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, रियल जीडीपी वाला आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। अब रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट प्राइस। कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब आपने बेस ईयर फिक्स कर रखा है, जैसे कि 2011-12 का आपने बेस ईयर की 2011-12 में जीडीपी कितना था उसके कंपैरिजन में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई कितना 2011-12 में था और अब कितना है, तो उसके एक हिसाब से हम जीडीपी निकालते हैं। तो अगर 2023-24 में बात करें 2011-12 के बेस ईयर को लेकर, तो इसको रियल जीडीपी बोलते हैं, तो ये 1,42,800 करोड़ था, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। और अगर 2011-12 को बेस ईयर लेकर चलें, तो 22-23 में कितना था ये, 22-23 में, 22-23 में आपको जो है याद रखने की जरूरत तो है नहीं, खैर इतनी, लेकिन ये 2023-24 वाला याद होना चाहिए। तो ये 1,33,372 करोड़ था। अब तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, मतलब देखिए बेस ईयर को ले तो कितना परसेंट हो गया, 7.5,
1% ये जो है इंक्रीज हो गया। तो इसमें ये याद रखना कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका जीडीपी किस परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो 7% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये आंकड़े। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है यहाँ पर इसमें दे भी रखा है कि कौन सा, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास कौन सा जीडीपी है, देखो यहाँ पर दे रखा है उसने कौन सा, ये कॉन्स्टेंट प्राइस पर जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है। और ये जो है ये करंट प्राइस पर है, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल, इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने परसेंट से ये इंक्रीज कर रहा है। तो अब ये जो आप लाइन देख सकते हो ये वाली कॉन्स्टेंट वाली है, ठीक है, ये तो देखो कॉन्स्टेंट पर कितना है, 7% इंक्रीज हुआ है। और अगर करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस पर कितना इंक्रीज हुआ है, 8.2% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 7.1 वाला है, और मतलब याद रख लेना क्योंकि आयोग पूछ सकता है, तो ये जीडीपी के बारे में होगी कि हिमाचल प्रदेश का जीडीपी कितना है, नॉमिनल प्राइस पर कितना है और कॉन्स्टेंट प्राइस पर कितना है। बेस ईयर याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट करेंगे, फिर एग्रीकल्चर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सर्वे है उसके अंदर सेक्टर वाइज दे रखा है, तो आपको मेंस में और प्री के अंदर ये डाटा आंकड़े पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें और एलाइड सेक्टर मतलब उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी, एग्रीकल्चर हो गया और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी, तो ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए, तो ये जितना भी हिमाचल प्रदेश का वर्क फोर्स है आधे से ज्यादा तो ये कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर। तो ये पता होना चाहिए, आंकड़े मतलब इतने जरूरी होते हैं कि बहुत जरूरी होते हैं कि आप अपने जो मेंस है उसमें जब कोट करोगे डेटा, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप इस टाइप का जो डेटा है ऑथेंटिक डेटा आपके पास होना चाहिए कि भाई देखो एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, या जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। फिर एग्रीकल्चर और उससे अलाइड जो इंडस्ट्री है वो कितना कौन, तो अगर ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA, ये क्या होता है, ये हम बात करेंगे कमिंग लेक्चर में। तो अभी यहाँ समझ लो, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 13.70% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पर डेटा दे रखा है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, इससे रिलेटेड है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा क्रॉप्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड जो उसके अलाइड सर्विसेज होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्रॉप्स कंट्रीब्यूट कर रही है। अब हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का जो लैंड है वो कितना है, तो हिमाचल प्रदेश का जो लैंड है वो 55 मतलब 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर आप इसको लैक हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो 55.67 लैक हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये। तो इसमें ये डेटा याद रखना हो सकता है, वैसे तो ये वाला डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये डेटा इतना मतलब लैक में दिया है, तो दे तो कुछ भी सकता है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हो, तो हिमाचल प्रदेश का जो विद रेस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी का एरिया, तो 17th नंबर पर आता है, 17वें नंबर पर आता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 126 नंबर पर इसका स्थान है। अब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर देखते हैं कि जो लैंड है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो जो ग्रेजिंग में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद में फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट है कितने पार्ट, ये 24.5% में दिया हुआ है। और यहाँ पर नेट सोन एरिया देखते हैं तो 11.49% है। तो एग्रीकल्चर में जो नेट सोन एरिया है वो कितना है, 11.49%, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला ये पहली जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी हो सकता है कि भाई ये बताओ कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर नेट सोन एरिया कितने परसेंट है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो लैंड होल्डिंग की हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो मतलब जैसे कि 1 हेक्टेयर से, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से जमीन कम है। तो 1 हेक्टेयर से ऐसे लोग, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो ऐसे लोगों की, उनको मार्जिनल फार्मर भी बोलते हैं वैसे, तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। वैसे ये डेटा इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना कि जो लैंड होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो कितनी है, 9.97 लाख। तो इतनी जो है
ये लैंड होल्डिंग है। तो अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो दो तीन चीज, दो तीन लेक्चर तो एग्रीकल्चर पर ही रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर आपको एक तो ये वाला डेटा, मतलब तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है किस सेक्टर का है, तो क्रॉप्स का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में फॉरेस्ट्री का आता है, फिर लाइव स्टॉक का, एंड देन फिशिंग का। तो ये बात याद रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस टाइप से। आई होप क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन लगाते चल रहे हो, पेपर लगाते चल रहे हो। तो हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।